हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं आपको डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है भाग। अब मैं आज मैं बताऊंगा कि डिवाइड की परिभाषा क्या होती है, डिवाइड होता क्या है एक्चुअली। डिवाइड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड का देखिए परिभाषा होती है कि डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग, यानी कि भाग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी संख्याओं को बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो चलिए देखा जाए कि क्या प्रक्रिया होती है और कैसे करते हैं और इनके क्या क्या रोल होते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 12 चॉकलेट है, मेरे पास 12 चॉकलेट है और 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो अब देखिए ये क्या करना, 12 चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटना है। अभी मान लीजिए बेसिकली ये छोटा अंक है तो आप बांट देंगे, लेकिन यही प्रक्रिया, यही नियम बड़ी बड़ी संख्याओं को बांटा रहेगा। अभी करोड़ रुपए दिया जाएगा, कह देगा 50 लोगों को बांटिए, तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए ये रूल बताया जा रहा है कि आपको छोट जानेंगे रूल, उसके बाद बड़ा रूल आपको उस तरह से लगाएंगे, यही रूल होता है। तो देखिए ये 12 है, ये 3 है, ये 12 है, ठीक है। और 12 मतलब मेरे पास क्या है, चॉकलेट है, और 3 कितने बच्चे हमारे पास है। तो चलिए भाग किया जाए तो 3 का टेबल ऐसे पड़े कि 12 आ जाए। तो 3 4 जा 12, देखिए ये क्या हुआ, कट गया। तो अब देखिए ये ऐसे होता है भाग। अब लेकिन आज मैं अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि भाग कैसे करते हैं, किसके किसके क्या क्या रोल होते हैं और किन्हें क्या कहते हैं और कैसे चेक इसका आंसर करते हैं। ये रहा था आपका भाग का मींस और कैसे, मतलब 12 चॉकलेट थे, 3 बच्चों में बांटना था बराबर। देखिए एक बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को 4 4 चॉकलेट मिला है, ठीक है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे मान लीजिए 8, यहां पे मान लीजिए 5। तो देखिए 3 का टेबल, अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं। 3 का टेबल आप ऐसा पढ़िए, जैसे मान लीजिए 3 का ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है और ये क्या है, डिवाइडेंट है, और यहां पे जो होता है वो क्या होता है, क्यूटियंट। तो देखिए अब 3 का टेबल ऐसा पढ़िए आपकी 8 आ जाए या फिर उससे कम हो जाए या फिर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का टेबल पढ़िए आप 8 आ जाए, 3 2 जा 6। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 8 में से 6 घटाते हैं, सब ट्रेड का प्रोसेस होता है। तो 8 में से 6 जाए तो क्या हो जाएगा, 2। और इसके बाद नीचे क्या करेंगे, 5 क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो अब 3, अब देखिए 3 था और यहाँ पे 2 था तो भाग जाते रहे, इसलिए यहाँ पे क्या किए, 5 उतारे हैं। तो 3 8, अब 3 का टेबल ऐसा पड़ जाए कि 25 आ जाए। तो देखिए 3 8 जा 24। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद सबट्रैक्ट का प्रोसेस आएगा, सबट्रैक्ट का। तो 5 में से 4 जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर। और इसे क्या कहते हैं, क्यूटियन। इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। और इसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंट। अब देखिए यहां पे अब रहा लॉजिक, मतलब मान लीजिए मैंने इस भाग को लगाया, लेकिन एक चीज होता है कि डिवाइजर होता क्या है, डिवाइजर। देखिए जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या होता है, डिवाइडेंट। क्या होता है, डिवाइडेंट। और कितनी बार हम लोग भाग देते हैं और क्या प्राप्त हुआ, वो होता है क्यूटियन, वो होता है क्यूटियन। और नीचे मान लीजिए कोई संख्या बच गया, रिमाइंडर, तो वो क्या होता है, शेषफल। तो देखिए अगर आप भाग दे रहे थे 3 था, तो देखिए यहाँ पे 1 डिजिट से आप अगर लेंगे तभी ना ये भाग जाएगी, क्योंकि देखिए जब 3 जब डिवाइजर जो है डिवाइडेंट से छोटा हो तो हम लोग भाग सिर्फ 1 डिजिट से लाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये नहीं भाग लग गई, तो अब इसे मान लीजिए भाग को चेक करना कि ये भाग मैं सही लगाया हूं कि नहीं। तो चेक आंसर कैसे करते हैं, तो देखिए चेक आंसर बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं। देखिए चेक आंसर, देखिए चेक आंसर स्टेप 1। इस चेक आंसर में दो प्रकार से आप चेक आंसर कर सकते हैं, कैसे, देखिए स्टेप 1 से कैसे आप करेंगे। स्टेप 1 में क्या है कि यदि शेषफल बचा है तब कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे आप, तब करेंगे देखिए डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्यूटियन, डिवाइजर इनटू क्यूटियन धन रिमाइंडर, धन रिमाइंडर,
धन रिमाइंडर। देखिए डिवाइजर इंटू क्यूटीएन, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे है 3 और क्यूटीएन क्या है 28। तो हमने बताया ना स्टेप, यानी कि देखिए भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, ये रहा चेक करने का आंसर। और कब? जब शेषफल कुछ बचा हो तब। देखिए यहाँ पे क्यूटीएन क्या है 28, क्या है 28, और डिवाइजर क्या है 3। चौदह सर 3। तो अब इसका क्या करेंगे, देखिए 3 का टेबल ऐसा पढ़िए। अब देखिए इसका करते हैं हम लोग, फिर अब देखिए रिमाइंडर बच्चा आप इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। लेकिन 3 का टेबल ऐसा अब पढ़िए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 3 8 जहाँ क्या होता है 24, और 24 को क्या लिखेंगे 4, और कैरी क्या बचा 2, 3 2 6, और ये क्या हो गया 3 2 6, और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो अब देखिए क्या हुआ 84। अब देखिए यहाँ पे क्या है 85। हमने आपसे बताया है कि डिवाइजर इनटू क्यूटीएन, अरे दोस्तों क्यूटीएन तो आया 28 और डिवाइजर क्या है 3। अब इसके बाद आया 84 और रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है 1। इसको क्या करेंगे प्लस 1 ऐड कर लेंगे, तो 4 4 और 1 5 8। देखिए ये रहा आपका आंसर, चेक हो गया आंसर, ये रहा आपका आंसर 85। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने आपको स्टेप 1 बताया है, और कल आपको बताऊंगा स्टेप 2 कि कैसे करते हैं चेक आंसर स्टेप 2 से। ठीक है दोस्तों।